बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आई एम योर मैथ्स टीचर ऑफ क्लास 7 फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल एंड इट इज़ योर मैथ्स पीरियड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 13 पार्ट नंबर 1। एज़ वी हैव कम्प्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, नाउ मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। ओपन योर बुक पेज नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ पी इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, क्यू इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू एंड आर इज इक्वल्स टू सी डी ई आई, देन वेरीफाई। हमें 3 सेट्स गिवन हैं, एक ई का, एक क्यू का और एक आर का। हमें नीचे जो पार्ट्स गिवन है हमने उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई की जब भी बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमें लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के क्या करना है, इक्वल करना है। दोनों साइड हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पी क्यू और आर की वैल्यूज़ हमें सेट गिवन है, हमने सिर्फ उनको पुट करके आंसर निकालना है यूनियन के फॉर्म में और इंटरसेक्शन के फॉर्म में जो कि हमें आता है। हम पार्ट नंबर 1 करेंगे। पार्ट नंबर 1 में है पी यूनियन क्यू equals to Q union P। दोनों साइड्स को हमने क्या करना है, इक्वल करना है। हमें पता है कि हम सबसे पहले कौन सी साइड सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड वाली। लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है, P union Q। हमें P union Q फाइंड करना है। हमें P का सेट भी गिवन है क्वेश्चन में, हमें Q का सेट भी गिवन है, तो हम ईज़िली P union Q फाइंड कर सकते हैं। P का सेट हमें गिवन है, हम P का सेट लिखेंगे, यूनियन का सिंबल लगाएंगे, Q का सेट लिखेंगे। पी के सेट में हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई, और क्यू के सेट में क्या है, ए ई आई ओ यू। दोनों सेट को हमने क्या करना है, यूनाइट करना है, यूनियन करना है। हमें पता है हम यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स को एक साथ करके लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हों या फिर नंबर्स हों, काउंटिंग में डिजिट्स गिवन हों, हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई आई ओ यू। एक तरतीब से हम क्या लिख देंगे, अपना आंसर लिख देंगे असेंडिंग फॉर्म में। ये हमारा आंसर हो गया पी यूनियन क्यू का लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने अपनी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, अब हम अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे क्या है, क्यू यूनियन पी। क्यू का सेट गिवन है हमें, हम क्यू का सेट लिखेंगे, यूनियन का सिंबल लगा के पी का सेट लिखेंगे। दोनों सेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे, हमने वो दोनों सेट लिख दिए। बीच में यूनियन का साइन आ रहा है, अगेन दोनों सेट को क्या कर देंगे, यूनाइट कर देंगे, असेंडिंग फॉर्म में लिख देंगे दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला के। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई आई ओ यू। ये हमारी क्या हो गई, राइट हैंड साइड हो गई। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर वही है जो हमारी राइट हैंड साइड का आंसर है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड पी यूनियन क्यू इक्वल्स टू क्यू यूनियन पी। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, क्या है, पी इंटरसेक्शन ब्रैकेट में है क्यू इंटरसेक्शन आर इक्वल्स टू पी इंटरसेक्शन क्यू ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर है इंटरसेक्शन आर। अब हमारे पास पूरे सेट में कंप्लीट राइट पे भी और लेफ्ट पे भी इंटरसेक्शन ही गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, पी इंटरसेक्शन ब्रैकेट में क्यू इंटरसेक्शन आर। एज़ वी नो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। में क्या है, क्यू इंटरसेक्शन आर, हम लिखेंगे क्यू का सेट लिखेंगे, क्यू के सेट पे क्या है, ए ई आई ओ यू। आर का सेट लिखेंगे, आर का सेट क्या है, सी डी ई आई। दोनों सेट में क्या इंटरसेक्शन है, दोनों सेट में जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। एज़ वी नो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों सेट में कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है, आंसर होता है। दोनों सेट में क्या कॉमन है, ई और आई कॉमन आ रहा है, ई और आई कॉमन आ रहा है। क्यू के सेट में भी ई और आई मौजूद है और आर के सेट में भी ई और आई मौजूद है, तो क्यू इंटरसेक्शन आर का आंसर क्या होगा, ई और आई। पी को हम अपने प्लेस पे ही रहने देंगे। अब पी इंटरसेक्शन और बाद में क्या है, क्यू इंटरसेक्शन आर, क्यू इंटरसेक्शन आर का तो हमने आंसर निकाल लिया जो कि आया था ई और आई। अब हम पी का सेट हमें गिवन है, अब हम पी का सेट लिखेंगे। पी के सेट लिखने के बाद हम इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद हम क्यू इंटरसेक्शन आर का आंसर लिखेंगे जो हमारे पास क्या है, ई और आई। अब पी के सेट भी लिख दिया और क्यू इंटरसेक्शन आर का आंसर भी लिख दिया। अब इन दोनों सेट में जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। पी के सेट में क्या है, ए बी सी डी ई, और क्यू इंटरसेक्शन आर का आंसर क्या है, इंटरसेक्शन आर का आंसर क्या आया था हमारे पास, ई और आई। अब इन दोनों सेट में जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। इन दोनों सेट में कॉमन क्या है, सिर्फ ई कॉमन है। पी के सेट में भी ई आ रहा है और क्यू इंटरसेक्शन आर के सेट जो हमने लिखा था उसमें भी ई आ रहा है, तो दोनों सेट में सिर्फ ई कॉमन आ रहा है, तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या होगा, ई।
अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है, अब हम अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमें क्या गिवन है, पी इंटरसेक्शन क्यू और फिर इंटरसेक्शन आर। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू। हम पी का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का सिंबल लगा के क्यू का सेट लिखेंगे। दोनों सेट में कॉमन जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। दोनों सेट में क्या कॉमन है, ए और ई। दोनों सेट में क्या कॉमन है, ए और ई। पी के सेट में भी ए है और क्यू के सेट में भी ए है, पी के सेट में भी ई है और क्यू के सेट में भी ई है, तो दोनों हमारे पास क्या मेंबर्स आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। इंटरसेक्शन आर हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। पहले हम पी इंटरसेक्शन क्यू का आंसर निकालेंगे, जो कि हमारे पास क्या आ गया है, ए और ई। अब हम आर का सेट लिखेंगे। आर का सेट हमारे पास क्या है, सी डी ई आई। अब इन दोनों सेट में जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। पी इंटरसेक्शन क्यू का तो हमने आंसर निकाल लिया था, जो कि था ए और ई। इंटरसेक्शन का सिंबल लगा के हम आर का सेट लिखेंगे। आर के सेट में हमारे पास क्या गिवन है, सी डी ई आई। अब इन दोनों सेट में जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। दोनों सेट में क्या कॉमन है, ई कॉमन है। दोनों सेट में क्या कॉमन है, ई कॉमन है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था, ई आया था। लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारा क्या आया था सेट, ई आंसर में। और राइट हैंड साइड पे भी क्या है, ई आया है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम क्या लिखेंगे, पी इंटरसेक्शन ब्रैकेट में क्यू इंटरसेक्शन आर इक्वल्स टू पी इंटरसेक्शन क्यू ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन आर, हैंस वेरीफाइड।